हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुदारा। आज ये वीडियो गाइस मैं उन बच्चों के लिए लेके आई हूँ जिनका सीएसआई नेट दिसंबर 2023 वाला एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है, और वो बच्चों को डाउट ये है कि अब आखिर सीएसआई नेट नहीं हुआ है तो अब हम क्या करें। सो बच्चों, आप लोगों के लिए निराश होने वाली बिल्कुल भी ये बात नहीं है। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, अपना नॉलेज को आपने इम्प्रूव किया है, तो वो नॉलेज वेस्ट कभी भी नहीं जाती है। आपकी जो नॉलेज है वो यहाँ काम नहीं आई तो और कहीं काम आ सकती है। इसके अलावा अभी जून में दोबारा से एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तो आप खैर एग्ज़ाम दे ही सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या और एग्ज़ाम्स हैं जो आप दे सकते हैं सीएसआर नेट की प्रिपरेशन के साथ में ही? मतलब जो आपने सीएसआर नेट के लिए प्रिपरेशन की है वही जो कोर्स, उसी तरह का सिलेबस, वही सब चीज़ें, और कौन कौन से एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। सो सीएसआर नेट करने के बेसिकली दो रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न होता है कि या तो बच्चे एलिजिबिलिटी चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो सीएसआई नेट जून 2024 वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा हर स्टेट का अपना एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होता है जो साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। वो एग्ज़ाम का भी सिलेबस ऑलमोस्ट यही है, बल्कि उसका जो लेवल है सीएसआई नेट से कहीं ना कहीं कम होता है, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है। सो उस एग्ज़ाम को आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। सो ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी दिला देगा। सो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास दो ऑप्शंस अभी हैं। या तो आप सीएसआर नेट जून 2024 वाली प्रिपरेशन शुरू कर दें अभी से ही, जो आपकी ऑलरेडी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो चुकी है क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है एक या दो बार, और अब दोबारा आप देंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत अच्छे चांसेस होंगे। सो गाइज, यहाँ पे एक जो चीज़ बच्चे लैक कर जाते हैं, एक दो बार एग्ज़ाम देने के बाद में आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन चला जाता है, आपका मोरल डाउन हो जाता है। सो स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ किसी भी एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठ रहे हो तो सिर्फ आपकी नॉलेज ही काफ़ी नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपको अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना आना चाहिए। वो जो 3 घंटे का टाइम है, उस टाइम के अंदर अगर आप घबरा गए या फिर अगर कुछ इस तरह की और चीज़ें सोच ली आपने कि जिससे आपको लो फील हो, सो वो सब चीज़ें क्या करेंगी, आपका जो एग्ज़ाम का 3 घंटे का टाइम है उस टाइम को आपको पूरे एफिशिएंसी के साथ में अपना जो पेपर है वो करने के लिए बहुत ज़्यादा हैम्पर करेंगी। सो अपने दिमाग को कंट्रोल रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, बाकी सब चीज़ों को भूल जाएं जब भी आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दें। सो ये सब चीज़ें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। अगर आपका इस बार नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। सो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, सीएसआर नेट वापस से दे सकते हैं, या फिर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। इसके अलावा जो बच्चे पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें जेआरएफ चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ ही एक ऑप्शन है आपके पास में। इसके अलावा भी बहुत सारे और एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके अंदर ऑलमोस्ट यही वाला सिलेबस है, और ये कई सारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं, जिसके थ्रू आपको फेलोशिप मिलेगी। कईयों में फेलोशिप के साथ में पीएचडी के अंदर एडमिशन के लिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं एक बार इसके बारे में हम जानते हैं। सो गाइज, पीएचडी के ड्यूरिंग स्कॉलरशिप्स कौन कौन से और एग्ज़ाम्स के थ्रू आपके लिए अवेलेबल है? सो सबसे पहले सीएसआईआर नेट, यूजीसी, जेआरएफ, सीएसआईआर नेट तो आप दे ही चुके हैं, और आप अगर दोबारा भी देंगे तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कंपैरेटिवली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन क्योंकि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और इसको ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ है, बट अगर एक बार आप दे चुके हो ऑलरेडी, आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है और अभी आपके पास में अच्छा खासा टाइम है जिसके अंदर आप बढ़िया प्रिपरेशन और भी कर सकते हैं। सो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है डीबीटी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि एक एग्ज़ाम, डीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको बैट हम कहते हैं। सो गाइज, ये साल में एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे बच्चों को इसके थ्रू एग्ज़ाम्स, इस एग्ज़ाम के थ्रू काफ़ी सारे बच्चों को जेआरएफ अवेलेबल होता है। इसके अलावा जे जी बिल्स एक और एग्ज़ाम है जो कि जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटर डिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज। ये एक एग्ज़ाम है जो कि बहुत बढ़िया वाले ऑलमोस्ट 17 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसके स्कोर को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर IISc, IISER जो हैं वो, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, TIFRs हैं,
ठीक है, ये सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं इस एग्ज़ाम के स्कोर को कंसिडर करते हैं और बच्चों को इनके थ्रू एडमिशन या तो डायरेक्टली इंटरव्यू बेसिस पे मिलता है, या फिर जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वो हर एक इंस्टीट्यूट अपना अलग से एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाता है और इस स्कोर को भी कंसिडर करते हैं। सो इसके थ्रू भी आपको PhD के अंदर एडमिशन और स्कॉलरशिप मिल सकती है। नेक्स्ट इज़ ICMR GRF। सो गाइज, अराउंड 120 स्टूडेंट्स को ICMR हर साल GRF प्रोवाइड करवाता है। सो ये जो एग्ज़ाम है इसके थ्रू आप ICMR के अंदर भी PhD कर सकते हो। ICMR के काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें बहुत ही उम्दा किस्म की रिसर्च चल रही है, बहुत अच्छी लैब्स हैं इनके ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। और मेडिकल साइंसेज के अंदर अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पर्पसफुल होता है और आगे आपके लिए आगे प्रोसीड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है ICMR भी। इसके अलावा एग्ज़ाम दिए बिना ही एक और जो फेलोशिप है वो मिलती है, दैट इज़ DST इंस्पायर फेलोशिप। और ये कौन से बच्चों के लिए है, जो यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो इंस्टीट्यूट्स को टॉप करते हैं, इंस्टीट्यूट टॉपर्स के लिए ये एक स्कीम लाई गई है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू है। और अराउंड 1000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे PhD के लिए फेलोशिप दी जाती है हर साल। नाउ इसके लिए भी कुछ और एलिजिबिलिटी भी है, जैसे स्टूडेंट की 70% अबव स्कोर होना चाहिए, वो अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अंदर टॉपर होना चाहिए। सो उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए, 1000 स्टूडेंट्स के लिए DST के द्वारा यहाँ पे फेलोशिप दी जाती है उन स्टूडेंट्स को उनके PhD ड्यूरेशन के लिए। नेक्स्ट है गेट। गेट का जो स्कोर है अगर आपका अच्छा रहता है, दैट इज़ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो बेसिकली तो ये M.Tech के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन इसी स्कोर के थ्रू जिन जिन IITs के अंदर या IISc के अंदर बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर कहीं पे रिसर्च चल रही है और वहाँ PhD करवाई जाती है, सो यही गेट का स्कोर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा वहाँ पे एंट्रेंस लेने के लिए। अगर आपका गेट का रैंक अच्छा रह जाता है तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू पे के बेसिस पे कॉल कर लिया जाता है, और अगर थोड़ा बहुत ठीक रैंक है जैसे 1000 के अंदर कहीं पे है तो उस कंडीशन में एक रिटन टेस्ट और होगा और उसके बाद में इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के बाद में कॉल कर लिया जाता है और यहाँ पे एडमिशन्स मिल जाते हैं। सो IITs और IISc जैसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए ये वाला एग्जाम भी आप दे सकते हैं। सो गाइज, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी सारे एग्जाम्स हैं आप इन सभी को टारगेट कर सकते हो। और इसके अलावा इनफैक्ट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डायरेक्टली अपने PhD एडमिशन के लिए नोटिफिकेशंस निकालते हैं, और ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं अगर आपने इनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, इनका इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर लिया, तो अगर आपके पास कोई भी PhD के लिए GRF नहीं भी है, कोई सा भी अगर आपके पास GRF नहीं भी है, तो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आपको GRF प्रोवाइड करवाता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप PhD करने जाना चाहते हो कहीं पे, सो उसके लिए आपके पास में ऑलरेडी एक GRF होना बहुत ज़रूरी है। सो आपको उन एग्जाम्स के लिए भी ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे अभी अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के अंदर PhD के अंदर एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है, सो वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एक रिटन एग्जाम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल जाता है उसके थ्रू। अब कोई GRF आपके पास नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इंस्टीट्यूट है वो खुद आपको उतनी ही GRF देगा जितनी CSIR NET GRF आपको मिलने वाली है। अब उसी पर्टिकुलर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के लिए ये भी एक एग्जाम है, JJ Bills का भी वो स्कोर कंसिडर करते हैं। सो इस केस में आपको ये जो एंट्रेंस एग्जाम अभी होने वाला है, ये वाला एग्जाम दिए बिना ही JJ Bills के स्कोर के बेसिस पे डायरेक्टली वो लोग इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे। सो एक ही इंस्टीट्यूट में कई सारे तरीके हैं एडमिशन लेने के, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स का एक लिस्ट, ये सब चीज़ें मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं ऑलरेडी, आप हिस्ट्री में जा करके देख सकते हैं कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप PhD कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट से आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कब किसका नोटिफिकेशन आ रहा है। एक बार एक लिस्ट तैयार कर लें कि जिन जिन इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं PhD करने में, उन सबका लिस्ट बनाने के बाद में ध्यान रखें कि कब कौन से इंस्टीट्यूट का
नोटिफिकेशन निकल रहा है, तो वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करके और इसी सारी प्रिपरेशन के साथ में इन सभी एग्जाम्स को आप दे सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप एग्जाम्स देंगे, जितनी ज़्यादा एग्जाम्स आप देंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका चांस 100% बैठ जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि आपने अगर CSR NET JRF की प्रिपरेशन की थी और आपका इस बार नहीं हो पाया है तो आगे जा करके आपके पास अब स्कोप कम रह गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी सारी नॉलेज को आप अलग अलग जगहों पे यूटिलाइज करने की कोशिश करें और डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं चांस ज़रूर बैठ जाएगा। सो गाइज, इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ में CSR NET जून 2024 की प्रिपरेशन करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे, और अभी ज्वाइन करने पे ये कोर्स आपको एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा विच इज़ 13,999, जिसके लिए 12 मंथ्स की आपको वैलिडिटी मिल जाएगी।